जंगल रॉयल बंगाल टाइगर और ब्लैक मंकी। बंदरों के झुंड में एक काला बंदर था मोनू। मोनू सारे बंदरों में से अलग था। उसकी रंग की वजह से बाकी बंदर और जानवर हमेशा उसे चिढ़ाते रहते थे। एक दिन मोनू निराश होकर, मैं ऐसा काला क्यों हूँ? पता नहीं भगवान ने मुझे काला क्यों बनाया। लगता है जैसे पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किए हो। ये बात बाघ सुन लेता है और वो मोनू के सामने आकर हंसते हुए कहता है, पिछले जन्म के पाप वाप कुछ नहीं होते मोनू, ये सब अंधविश्वास है। हमें तो अपनी छवि खुद बनानी पड़ती है। रंग और रूप तो बस एक दिखावा है। बापरे, रॉयल बंगाल टाइगर, आपको मेरा प्रणाम। हाँ हाँ, ठीक है मोनू, ऐसी बातें दिमाग में कभी मत लाओ, समझे? लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरे रंग की वजह से मैं बहुत ही कठिन समस्या से गुजर रहा हूँ। कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता, हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है इस जंगल में। ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? मैं हूँ ना, आज से मैं तुम्हारा दोस्त। जाओ, जाकर कह दो सारे जानवरों से कि रॉयल बंगाल टाइगर तुम्हारा दोस्त है। मोनू खुशी से सारे जानवरों को ये बात बताने लगता है, पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता है। ये देखो काला बंदर, अब तो ये झूठ भी बोलने लगा। अरे, वो जंगल का रॉयल बंगाल टाइगर है, भला तुमसे वो दोस्ती क्यों करेगा? तुम तो उसके पास खड़े रहने के लायक भी नहीं हो, तो दोस्ती तो अलग की बात है। अरे हिरन, कोई इसका मजाक ना उड़ाए इसलिए ये झूठ बोल रहा है। पर मोनू, हम इतना भी बेवकूफ नहीं है, समझे? अरे नहीं, सच में बाघ मेरा दोस्त है, मेरी बात पर विश्वास करो। तभी हाथी मोनू को सूंड से उठाकर फेंक देता है। बड़ा आया बाघ का दोस्त बनने वाला, चल भाग यहाँ से। इसके बाद अगर झूठ बोला ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। बेचारा मोनू सच कहने पर भी बस उसके रंग की वजह से कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता है। वो उदास बैठा था कि तभी वहाँ बाघ आता है। अरे मोनू, दोस्त बनने के बाद भी अब क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो? अरे, कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, सारे मुझे अब तो झूठा ही समझ रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, अब दूसरा रास्ता निकालते हैं, तुम उदास मत हो। बाघ मोनू के कान में एक प्लान बताता है। दूसरे दिन जंगल में बाघ दहाड़ लगाते हुए आता है। बाघ जानबूझकर हिरन के पीछे पड़ता है। अरे बापरे, बाघ आज मेरा शिकार करने पर ही तुला है, अब तो मेरा बचना मुश्किल लग रहा है। बाघ हिरन पर हमला करता है और उसे उठाकर अपनी गुफा ले जाता है। सारे जानवर इकट्ठा होकर बातें करते रहते हैं। अरे, अब हिरन मर गई होगी ना? अरे ऐसे मत कहो, हिरन को बस बाघ ने उठाया है, हमें उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। अरे बाप रे, पर बाघ के मुंह से हिरन को कैसे बचाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तभी वहाँ मोनू आता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं बाघ से कहूंगा तो वो हिरन को छोड़ देगा। ये देखो, अब ये आया काला कलूटा, देख अपनी मनहूस शक्ल को बाघ के सामने लेकर भी मत जा, नहीं तो बाघ तुम्हारी वजह से हम सबको मार डालेगा। अरे नहीं, एक बार मुझे मौका दो, हो सके तो आप सब पेड़ के पीछे से देख लेना, बाघ मेरा दोस्त है और वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। सारे जानवर मोनू के साथ बाघ के गुफा तक आते हैं। एक बड़े से पेड़ के पीछे सारे जानवर छुप जाते हैं, तो मोनू गुफा के पास आता है। दोस्त दोस्त, बाहर आओ। बाघ गुफा से बाहर आता है। क्या बात है मोनू, क्या हुआ? बाघ, तुमने ये क्या किया, मेरे दोस्त हिरन को क्यों उठाया? क्या, हिरन और तुम्हारी दोस्त? अरे दोस्त, मुझे ये बात नहीं पता थी, जो तुम्हारा दोस्त वो मेरा भी दोस्त, मुझे माफ कर दो। बाघ हिरन को छोड़ देता है। ये सब देखकर जानवर हक्का बक्का हो जाते हैं। उन सबको मोनू की बात पर भरोसा हो जाता है। हिरन तो भावुक ही हो जाती है। बाघ बाघ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी जान बख्श दी। अरे, मेरे दोस्त मोनू की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा, समझे?
मोनू माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें दोस्त नहीं समझा, तुम्हारी बात पर भरोसा तक नहीं किया, पर फिर भी आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हिरन, बाकी जानवरों से भी कह दो कि रंग रूप का भेदभाव ना रखे, सबको एक समझे और सबसे दोस्ती पूर्वक व्यवहार करे। मोनू बाघ का धन्यवाद करता है, हिरन और मोनू वहाँ से चले जाते हैं। बाकी के जानवर भी मोनू से माफी मांगते हैं और उसे अपना दोस्त मानकर उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगते हैं। फूलिश टाइगर एंड क्लेवर रैबिट। जंगल में एक खुला बाघ घूम रहा था, वो बहुत भूखा था, उसे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। अरे बाप रे, ये भूख तो सहन ही नहीं हो रही, कोई शिकार भी नजर नहीं आ रहा। भूख के मारे बेचारा बाघ घास फूस खाने लगा, तभी वहाँ एक बंदर आता है और बाघ की हालत को देखकर उसकी हंसी उड़ाने लगता है। ये क्या? बाघ बंदर को अपने ऊपर हंसता देख बहुत गुस्से में आ जाता है। मूर्ख, हंसता है मुझ पर, रुक, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। और बाघ बंदर को मारने उसके पीछे लग जाता है, लेकिन बंदर बच निकलता है। लेकिन बंदर के मन में एक शंका उत्पन्न हो जाती है। हाय राम, जान तो बच गई, अब ये मुझे नहीं छोड़ने वाला, आगे भी खतरा है, अब तो ऊपर वाला ही बचाए। तभी वहां से खरगोश गुजरता है तो बंदर उसे रोक लेता है। अरे सुनो खरगोश भैया, मुझे बचा लो, वो पागल बाघ मुझे मार देगा। क्यों, क्या हुआ, तुमने क्या किया? बंदर खरगोश को सारी बात बता देता है। तुम चिंता मत करो। खरगोश उस बाघ के बारे में सोचते हुए जंगल में आगे बढ़ता रहता है कि तभी एक बड़ा सा पिंजरा दिखाई पड़ता है जिसे शिकारी ने छोड़ दिया था और वहां से चला गया था। पिंजरे को काफी देर तक देखने के बाद खरगोश को एक तरकीब सूझती है। खरगोश पिंजरे में कुछ मांस के टुकड़े रख देता है और एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है और बाघ का इंतजार करता है। बाघ भी मांस को सूंघ कर उस पिंजरे तक आ जाता है और पिंजरे में रखा मांस खाने लगता है। बाघ मांस खाने में इतना मगन रहता है कि इतने में खरगोश बाहर से पिंजरा बंद कर देता है और जब तक बाघ को भनक लगती है खरगोश वहां से 9-2-11 हो जाता है। अरे अरे अरे, किसने बंद कर दिया मुझे, खोलो खोलो। बाघ बेचारा उस पिंजरे में कैद हो गया था और बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। 2 दिनों तक इंतजार करते करते एक बकरा घास खाते खाते वहां पर आता है। तभी बाघ उससे बोलता है, बकरे भैया मुझे निकाल दो यहाँ से, प्लीज ये पिंजरा खोल दो। नहीं नहीं, मैं ये पिंजरा नहीं खोलूंगा, खोल दिया तो तुम मुझे ही मार कर खा जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, कृपया कर मुझे निकालो। ठीक है, पर वादा करो कि मुझे नहीं मारोगे। मम्मी कसम नहीं मारूंगा, जल्दी खोल दो ना। और बकरा पिंजरे की गुंडी बाहर से खोल देता है। बाघ बाहर आता है। अब मैं आजाद हूँ, अब तुझे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं, तुमने वादा किया था तुम मुझे नहीं मारोगे। कौन सा वादा, कैसा वादा, भूल गया मैं सारे वादे। बकरा अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है, बाघ भी उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते बकरा एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। बाघ उसको इधर उधर ढूंढने लगता है। इतने में खरगोश बास जाकर कहता है, अरे क्या हुआ भाई, तुम यहाँ क्यों छुपे हो? अरे वो दुष्ट बाघ मेरे पीछे पड़ा है। क्या, उसको तो मैंने पिंजरे में बंद कर दिया था। पर उसने अपना भोलापन दिखाकर मुझसे पिंजरा खुलवा लिया, हम मुझे ही खाना चाहता है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा। इतने में ही बाघ वहां आ जाता है। ओए बकरे, तूने मुझे बहुत दौड़ाया। क्या बात है, एक के साथ एक फ्री, अब बकरे के साथ खरगोश का भी मांस खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। तभी खरगोश कहता है, मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। जल्दी बोल, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, भूख के मारे मैं तड़प रहा हूँ। जिस पिंजरे में आप कैद थे वो मेरा ही है, मैं अपने परिवार के साथ उसमें रहता था, उस पिंजरे में मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। अब मेरा परिवार नहीं रहा तो मैं उसी में मरना चाहता हूँ। अच्छा चलो, ये इच्छा भी मैं तुम्हारी पूरी करूँगा, उसी के बाद मैं अपनी पेट पूजा करूँगा।
चलो दोनों। खरगोश और बकरा दोनों ही बाघ के साथ उस पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं। तभी बाघ बोलता है, चल अब जल्दी से पिंजरे में जा। आप हमसे बड़े हैं, मैं चाहता हूँ आपके शुभ कदम ही इस घर में पहले पड़े, तो मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बाघ अपनी तारीफ सुनकर गदगद हो जाता है और खुद पहले उस पिंजरे में चला जाता है। उसके जाते ही खरगोश बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, मैं किसी को नहीं खाऊंगा। ना ना, अब तो मैं चला, बाय बाय, टेक केयर। और खरगोश बकरे के साथ वहां से चला जाता है। बकरा खरगोश से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता दोस्त, अगर बुद्धि हो तो छोटा जीव भी बड़े जीव को परास्त कर सकता है, समझे?